एनएमसी और चाल प्रेस क्लब के पत्रकारों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, पत्रकार उत्पीड़न पर उठाए सवाल। कौशाम्बी में चाल राष्ट्रीय मीडिया महासंघ एनएमसी की जिला कौशाम्बी इकाई के आह्वान पर बुधवार को चाल तहसील में पत्रकार एवं पत्रकार हित में पत्रकारों ने आवाज बुलंद करते हुए उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम 6 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन कार्यक्रम में एनएमसी के साथ चाल तहसील का स्थानीय पत्रकार संगठन चाल प्रेस क्लब एवं विश्व पत्रकार महासंघ भी सड़कों पर उतरकर पत्रकारिता जगत के न्याय हेतु शामिल हुआ। आइए दिखाते हैं रोहित शर्मा की इस खास रिपोर्ट में। आज आप लोगों ने ज्ञापन प्रदेश में आए दिन पत्रकारों पर हो रहे प्राणघातक हमले और उनकी हत्या और हाथरस कांड में महिला पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार, प्रशासन के द्वारा दुर्व्यवहार के मामले में आज चाल एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जो कि महामहिम राज्यपाल को संबोधित था। उसमें सभी पत्रकारों ने ये मांग की है कि पत्रकारों के हितों की रक्षा की जाए और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। बस एसडीएम चाल को एक ज्ञापन सौंपा गया जो महामहिम राज्यपाल को संबोधित है। उसमें मांग किया गया कि हाथरस कांड को कवरेज के दौरान हमारे पत्रकार साथियों व महिला साथियों के साथ पुलिस ने और प्रशासन ने जो अभद्रता की है वो असहनीय है। उसके विरोध में हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है और उसे मांग किया है कि आइंदा पत्रकारों के साथ ऐसी गलती ना की जाए और जो हमारे पत्रकार साथी जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी हैं उनके परिवारी जनों को कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, यही हमारी मांग थी। जहाँ सईदुर रहमान मुन्ने, अध्यक्ष तहसील प्रेस क्लब चाइल। देखिए, जनपद कौशाम्बी में प्रयागराज पूरे उत्तर प्रदेश में इन दिनों पत्रकारों के मान सम्मान का हनन हो रहा है, उनका जो है दमन किया जा रहा है, कहीं न कहीं उसकी कलम सुरक्षित नहीं। इसको लेकर के आज चाइल प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री सईदुर रहमान उर्फ मुन्ने भाई, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं जनपद कौशाम्बी के, और सचिव सब्बर अली जी, चांद भाई, तमाम हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं एनएमसी के, प्रदेश सचिव प्रदेश जो है अध्यक्ष श्री इश्तियाक अहमद जी और जिला अध्यक्ष दिनेश जी के अगुवाई में यहाँ पर जो है चाइल एसडीएम को राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें मांग किया गया है, जैसा कि अभी हमारे जो है वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया बाइट के माध्यम से, वो सारी मांगों को इसमें मांगा गया। हम आशा करेंगे कि जल्द से जल्द सरकार इनको पूरा करने कोशिश करे, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे, हम भी रैलियां निकालेंगे, हम भी जो है चक्का जाम करेंगे। अगर पत्रकारों के साथ इसी तरह शोषण होता रहा, उनकी कलम को तोड़ने की कोशिश होती रही, तो हम पुरजोर विरोध करेंगे। आज ज्ञापन सौंपा गया है, ये हमारी एक छोटी सी जो कोशिश है जो की गई है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।